ओके, तो इतना सुनसान मैंने इससे पहले कभी ये रास्ता देखा नहीं है। इट्स 6:10 AM इन द मॉर्निंग। एक साल बाद शायद से मैं कहीं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ इतने सुबह सुबह। एज अ वेरी क्रिएटिव सोल आई एम अगेन ऑन लेट। मुझे पता नहीं, जब तक मैं लेट नहीं होता तब तक मुझे लगता ही नहीं कि तेजस आया ही नहीं एक्शन में, विच इज़ नॉट अ रियली ग्रेट थिंग, बट नाउ आई हैव टू कैच अ ट्रेन। ओह, चांद कितना प्यारा लग रहा है। सो दिस इज द कॉन्स्टेंट थिंग विच इज फॉलोइंग मी, दैट इज कॉल्ड चांद। मतलब जो चांद है वो हमारे एक्स की तरह है, वो हमेशा हमें फॉलो करता है। चांद को अनफॉलो कैसे करा होगा, सोचो सोचो। एक्चुअली मैं लोनावला जा रहा हूँ क्योंकि जाना था वहाँ पे, मैं कभी भी वहाँ स्टे नहीं किया हूँ। इट इज़ अ स्टेशन फ्रॉम मुंबई टू पुणे, और पुणे टू मुंबई, आप जैसे प्रेफर करते हो जाना। एक हिल स्टेशन है और वहाँ पे टूरिस्ट लोग एग्जॉटिक हॉलीडे मनाने आते हैं, एंड इट्स वेरी नाइस प्लेस। फ्रेंड के साथ जा रहा हूँ वहाँ पे, और वो बैठा है बैंगलोर से और मैं जा रहा हूँ मुंबई से। एक्चुअली कल्याण मुंबई में आता ही नहीं है, दैट इज़ अ सैड पार्ट ऑफ लाइफ। स्टेशन पे मैं इस साल जा रहा हूँ लेकिन अगले साल वापस आऊँगा। अभी मैं जा रहा हूँ होटल की तरफ। तो मैं अभी लोनावाड़ा उतर गया हूँ और अभी बहुत ठंड लग रहा है यहाँ पे। मैं, मेरा दोस्त अभी तक नहीं पहुँचा है, तो मैं पहले पहुँच सकता हूँ होटल में। उसमें क्या है, कोई तो टेंपल है महादेव का, वहाँ पे नियर बाय मैंने होटल बुक किया है। आई एम एट रॉन्ग डायरेक्शन, मुझे अभी डायरेक्शन चेंज करके दूसरी तरफ जाना है। ये सही रास्ता है। यप, ऑरेंज ऑटो। यहाँ पे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं एंड एवरीबॉडी इज एंजॉयिंग द सीन। बहुत शांत एरिया है ये, लोग स्नैप्स बना रहे हैं, स्टोरीज बना रहे हैं इंस्टाग्राम। यहाँ पे बनाने भी चाहिए ना, लोनावला आए हैं। छोटे छोटे एकदम पुराने टाइप के घर है यहाँ पे। मुझे कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा मनाली की याद आ रही है ये रास्ते के देख के। बहुत शांति है यहाँ पे, और जो मुझे बहुत ज़रूरी है। ओके, तो ये जगह कुछ इंटरेस्टिंग लग रही है मुझे। मस्त मस्त घर है यार यहाँ पे, एकदम शांत। लोगों के प्राइवेट प्रॉपर्टीज भी है, ऐसा लग रहा है एक हद घर ले ही लेते हैं लोनावला में। चारी ए, अतीत की चादर ओढ़े खोया आज उन गुफाओं में है चंदा जाके पीछे चिपटा रात। इन पहाड़ों के चमकता जुगनू जैसे तारे लाल, इन फिजाओं में लपक के बांधा मैंने फीता छाप छोड़े चला। मुझे किस किस ने क्या क्या कहा, भटकता रहा मैं सिर्फ आवारा। मैं एक बादल में चलता रहा, गगन बरस पड़ा तो आवा।
ओके सो दिस इज़ अ रूम, बट मैंने उनको चेंज करने का बोला है, मुझे इतना छोटा सा रूम तो बिल्कुल नहीं चाहिए, यहीं पे ख़त्म हो रहा है रूम, कुछ नहीं इसमें। जो रूम उन्होंने दिया था मुझे पसंद नहीं आया है और मुझे रुकना पड़ रहा है, वॉट टू डू देन। और मेरा फ्रेंड अब तक नहीं आया है, तो लेट्स सी, वो इतने छोटे से रूम से तो अच्छा ही है कि ये रूम अच्छा कोई नया दे रहे, तो लेट इट बी। गाइस फाइनली मुझे बहुत अमेजिंग रूम मिला है, मतलब एज कम्पेयर टू द अदर रूम्स, लेट मी शो यू। तो अभी नहा के आया हूँ और अभी मैं वेट कर रहा हूँ मेरे फ्रेंड का, वो अभी तक नहीं आया है, और तब तक के लिए मैं थोड़ा सा, ओ बाय द वे, मैं हमेशा ये कुछ ना कुछ लाता हूँ सिर के नीचे रखने को, आई डोंट यूज़ दैट पिलोस, मैं ब्लैंकेट भी लेके आता हूँ, सो आई एम जस्ट गोइंग टू चिलैक्स नाउ। वैसे टीवी काम नहीं कर रहा है, देखिए वो टीवी का कुछ सेटअप ही नहीं है लाइक वहाँ पे, उन्होंने बोला है मैं लाता हूँ। एसी इज़ वर्किंग एंड हाय खूबसूरत लड़के यहाँ पे भी ये जो है इट्स नॉट वर्किंग। इफ़ यू कैन सी यहाँ पे पीछे माउंटेंस, एक्चुअली इसके पीछे माउंटेंस है, लेकिन ये होटल की वजह से वो माउंटेंस छुप गए हैं, बट एनीवेज। और आते ही मैंने एक मिडिल क्लास हरकत कर दी है, टॉवल मैंने वहाँ पे डाल दिया है, ओ गॉड आई शुड नॉट डू दिस राइट। और मैं पता नहीं इस इन दो कुर्सियों को देख के बहुत खुश हूँ, क्योंकि आई लाइक टू यू नो सिट एंड क्लिक द फोटोज, सो ये इसमें हेल्प हो जाएगी। ये मुझे आइडियली यहाँ रखने चाहिए अंदर, बट मैंने अब तक ऐसा कुछ नहीं किया है, क्योंकि मुझे बार बार कुछ ना कुछ सामान की याद आ रही है। जो बेसिक सैनिटाइज़र और जो खाना पीना है चिट चैट के लिए, वो मैं ऊपर ही निकाल के रखा हूँ, और क्या है, और अभी उसकी राह दिख रहा हूँ। ये टॉयलेटरीज हमको मिली थी, मेरा फ्रेंड अभी आ गया है और उसने कुछ मज़ेदार चीज़ की है। ये देखो गाइस, उसने कॉफ़ी का मग, जार, मशीन, जो भी चीज़ें लगती है अपना, वो सब लेके आया है, मतलब प्राण जाए पर कॉफ़ी ना जाए। अभी हमारा कोई प्लान नहीं है, हम लोग अभी लंच करेंगे और उसके बाद थोड़ा आराम करने के बाद शाम को हम जाने वाले हैं घूमने। अभी कहाँ घूमने जाने हैं वो भी डिसाइडेड नहीं है, तब तक के लिए आप देखते रहिए मुझे।